जा रही हूँ अब माँ के घर से, और मिलती हूँ आप लोगों से मैं पहुँचने के बाद, ओके, पार्लर में। सो डियर, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर, और सबसे पहले तो मैं थ्रेडिंग करवाऊँगी। और मैं काफ़ी दिनों के बाद पार्लर आई हूँ, 2-3 महीनों के बाद। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं तब मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ या कुछ भी करवाती हूँ, पार्लर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थ्रेडिंग करवा लूँगी, और थ्रेडिंग करने के बाद मैंने जो हेयर कट किया था ना, वो अधूरा रह गया था, मतलब वो अच्छे से नहीं हुआ था, छोटा बड़ा रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पार्लर आई हूँ तो वो भी मैं सेट करवा लूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करना, मैंने उस दिन बोला था कि मैं सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ पार्लर वाला वीडियो, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डियर। और ये जो पार्लर है ना, मेरी फ्रेंड का पार्लर है, वो सिलाई करती है, और आप लोग काफ़ी तारीफ़ करते हो ना ब्लाउज का, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यही मेरी फ्रेंड है जो मेरा ब्लाउज स्टिच करती है। मैं किसी के पास नहीं देती, इन्हीं के पास देती हूँ। और इसने ना अभी पार्लर भी खोला है, और बहुत अच्छा थ्रेडिंग करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो इसी से करवाती हूँ। तो ये नई अभी खोली हुई है, नई नई, और सिलाई का काम तो काफ़ी दिनों से कर रही है। मैं बहुत दिनों से इसके पास ब्लाउज वगैरह स्टिच करवा रही हूँ, तो अब पार्लर भी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसी के से करवाती हूँ, क्योंकि हर किसी के पास, जैसे आप जाते हो ना, तो फिर थ्रेडिंग का शेप जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो मेन ये रहता है कि आपका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है थ्रेड का। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, उन्होंने मेरे पुराना वाला जो शेप था थ्रेडिंग का वो मुझे दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से थ्रेडिंग किया इन्होंने। और गांव में ऐसे ही होता है डियर, भले ही लगता है छोटा मोटा, लेकिन कई लोग क्या है कोर्स करके आते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और मेरी फ्रेंड ने भी कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और ब्लाउज तो इतनी ज़बरदस्त स्टिच करती है ना कि मैं क्या बताऊँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच करो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। नंबर
फ्रंट थ्रेडिंग और अपर लिप्स हो चुका है। उसके बाद बाल को थोड़ा सा सेट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने ना मैं चोटी करके आ गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाल को मुझे स्ट्रेट करवाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो स्ट्रेट कर देगी, उसके बाद फिर अगर मैं बाल को बराबर करवाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल कट जाएगा, बहुत छोटे हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं यू शेप कर देती हूँ, तो फिर फाइनली बाल को यू शेप वो कर देगी। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करो और अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर नए होंगे तो, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना डियर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद, ओके। और एक लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा होगा तो, है ना डियर। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। Hey!
चुकी हूँ घर और अब करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो या व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, घर पे रहना। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय एंड गुड नाइट।